देखो वैसा ही हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, 1/1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, इसका हमें टी एन और एस एन चाहिए। देखो फिर वहां पर क्या होगा, पहले टी एन निकालेंगे, तो कैसे, फर्स्ट टर्म को देखो 1, 2, 3 तो ये हो जाएगा एन, सेकेंड को देखो 2, 3, 4 ये हो जाएगा एन प्लस वन, फिर हो जाएगा एन प्लस टू, और देखो फिर हो जाएगा एन प्लस थ्री, तो टी एन का मतलब पहले टर्म देख लो, सेकेंड देखो, थर्ड देखो, फोर्थ देखो, तो ये देखो हमारा टी एन आ गया। फिर देखो इसमें हम वी एन मेथड लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे, क्या करना है, वी एन में पहला टर्म कम मान लो, पहला टर्म हटा दो, पहला टर्म हटा दो, तो ये हो गया एन प्लस वन, एन प्लस टू और एन प्लस थ्री। अब यहीं से निकालो वी एन माइनस वन, तो एन की जगह एन माइनस वन रख दो, तो एन एन प्लस वन एन प्लस टू, ठीक है। अब फिर वही तरीका है क्या कि वी एन में से वी एन माइनस वन माइनस कर दो, ठीक है, तो वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, एन प्लस टू और एन प्लस थ्री, इसमें से वी एन माइनस वन को माइनस कर दो, एन और एन प्लस वन और एन प्लस टू, ठीक है। अब देखो है ना, इसमें से इसको माइनस किया, कुछ कॉमन ले लो, वन बाई एन प्लस वन और एन प्लस टू को कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या बचा, वन बाई एन प्लस थ्री माइनस वन बाई एन, है ना, एन प्लस वन और एन प्लस टू को देखो हमने यहां पर कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये हो गया वन बाई एन प्लस वन एन प्लस टू, इसको एलसीएम लिया, तो एन इंटू एन प्लस थ्री, देखो ये एलसीएम लिया, एन माइनस थ्री, देखो ये कैंसिल हो गया, देखो ये जो पूरा बचा है, देखो माइनस थ्री, ये हो गया वन बाई, देखो ये सब एक साथ आ गया, एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, और देखो ऊपर हो गया माइनस थ्री, यही पूरा देखो हमारा टी एन है, टी एन है ना, देखो ये हो गया माइनस थ्री और टी एन, है ना, ये वैल्यू किसकी है, वी एन माइनस वन की, देखो यहां से टी एन क्या आ गया, माइनस वन बाई थ्री और वी एन माइनस वन, देखो ये हमारा टी एन आ गया, है ना, तो हमेशा टी एन से वी एन निकलता है, फिर टी एन की वैल्यू वी एन और वी एन माइनस वन के टर्म में निकालनी पड़ती है, हमेशा ध्यान दो, ठीक है, ये मेथड है इसका, तो ये एक जनरल मेथड है और काफी अच्छा मेथड है, ये मेथड आगे चल के लिमिट के टॉपिक में भी बहुत हमारे काम आता है ना, अगर हम लोगों ने लिमिट पढ़ा होगा तो जरूर इसके क्वेश्चन वहां पर जरूर किए होंगे। देखो अब थोड़ा मुझे मिटाना है यहाँ पर, ठीक है, देखो ध्यान दो, अब क्या होगा, ये जो टी एन मिला है इसमें हम एन की जगह वही अपना 1, 2, 3, 4 रखेंगे और सारे टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे, है ना, ये जो हमें मिल गया है यहाँ पर देखो टी एन, इस टी एन में ही देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखो क्या करना है ना, टी एन में एन की जगह वन रखना है, तो होगा माइनस वन बाई थ्री, है ना, वी वन माइनस वी नॉट, एन की जगह टू रखना है तो माइनस वन बाई थ्री वी टू माइनस वी वन, एन की जगह थ्री रखना है तो माइनस वन बाई थ्री वी थ्री माइनस वी टू, और एन रखना है तो माइनस वन बाई थ्री वी एन माइनस वी एन माइनस वन, देखो इन सबको हम आपस में सम कर दें, ठीक है। अब देखो एस एन, एस एन का मतलब हो गया टी वन प्लस टी टू से लेकर के टी एन, इन सबको सम करें, देखो माइनस वन बाई थ्री बाहर आएगा, देखो ये सबको सम करेंगे, ये टर्म इस तरीके से देखो यहाँ पर कटेंगे, है ऐसे करके देखो यहाँ पर ये सारे के सारे टर्म हमारे कटेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर सिर्फ तीन टर्म होते तो ये कट जाता और ये रह जाता, जैसे मान लो अगर सिर्फ तीन तक ले, है ना, तो ये कटता ये रहता, इसी प्रकार अगर एन टर्म लेंगे तो ये कटेगा और ये रहेगा, है ना, अगर मान लो खाली दो टर्म होते तो क्या होता, ये कटता ये दोनों बचते, इसी प्रकार अगर एन तक टर्म लेंगे तो ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है, माइनस वन बाई थ्री बाहर है
अंदर क्या होगा, वी एन माइनस वी नॉट। आप देखो वी एन की वैल्यू हमारे सामने है, देखो ये वी एन है, इसकी वैल्यू हमारे सामने है एन प्लस वन और एन प्लस टू और एन प्लस थ्री। और देखो वी नॉट, वी नॉट क्या होगा, एन की जगह जीरो रखेंगे तो हमें मिलेगा v नॉट। क्या होगा देखो, v नॉट n की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये 1, 2, 3, तो 1, 2 और 3 क्या हो गया देखो 1/6। तो ये हमारा देखो n टर्म के सम का आंसर आ गया, ध्यान दो है ना, ये हमारे n टर्म के सम का आंसर आ गया। तो काफी अच्छा मेथड है, ठीक है, लिखो जरा। अभी हम आपको कुछ और क्वेश्चन कराते हैं इसके।